दोस्तों, मैं फराज मलिक। कोरोना लॉकडाउन के लेटेस्ट अपडेट के एक और ख़ास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है, ये एपिसोड वैसे तो दोपहर में आता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था। सुबह का वीडियो भी दोपहर में आया, अब ये दोपहर वाला एपिसोड शाम में आ रहा है, तो अब शाम तक शायद कोई वीडियो नहीं आएगी इसके बाद। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को उन सभी राज्यों के, उन सभी शहरों के नाम बताता हूँ जहाँ जहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है अगले दो दिन, और जहाँ जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी शॉर्ट में सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा, ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद संबोधन किया था, तकरीबन आधे घंटे का संबोधन था जो 8 बजे किया था, उसमें कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, दूसरी है अरविंद केजरीवाल की। तो ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही है। मोदी जी के भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे फ़ोन पर बात कर रहे थे, और हमारे केजू भैया कभी ऐसे कर रहे थे, कभी ऐसे कर रहे थे, कभी ऐसे, मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको मोदी जी की बातें हजम ही नहीं हो रही हैं। वो सोच रहे थे कि जल्दी से मोदी जी भाषण ख़त्म करें और मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें ऐसा ही दिख रहा है, कभी सर खुजला रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं। तो भैया, ये बात जो है कपिल मिश्रा को तो हजम हुई नहीं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर ही दिया आखिर, और बहुत कुछ लिख दिया इस तस्वीर को लेकर के, चर्बी चढ़ी है और भी बहुत सारी बातें आपके सामने हैं, खुद पढ़ लें। तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, मोदी जी की बातें शायद इन लोगों को हजम नहीं हुई। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को मध्य प्रदेश की तरफ ही लिए चलते हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वहाँ पर आज फ्राइडे की शाम 6 बजे से 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है, वीकली लॉकडाउन सैटरडे संडे का। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मध्य प्रदेश का दमोह है वहां पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, बाकी सारे शहरों में लॉकडाउन लगेगा, लेकिन दमोह को क्यों छोड़ दिया? ना इस वाले सैटरडे संडे को लॉकडाउन लगेगा, ना आने वाले सैटरडे संडे को दमोह में लॉकडाउन लग रहा है। ऐसा इसलिए है, दमोह को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहां पर उपचुनाव होने वाला है। आने वाला जो सैटरडे है, एक तो कल है, उसके बाद जो 17 तारीख को सैटरडे आ रहा है, उस 17 तारीख के सैटरडे को वहां पर उपचुनाव होना है, और उस 17 तारीख के सैटरडे को भी पूरे मध्य प्रदेश के हर एक शहर में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन दमोह में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मजाक भी बन रही है कि जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं जाता है, ऐसे ही एक और ताजा मामला सामने आ गया, दमोह में लॉकडाउन नहीं है। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है कि मध्य प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं, लॉकडाउन लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन दमोह में लॉकडाउन ही नहीं लगेगा। इसको लेकर कांग्रेस नेता ने निशाना भी साध दिया बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी का नौकर बन गया है कोरोना वायरस, जब जरूरत पड़ती है बीजेपी को तब संक्रमण दिखने लगता है, और जहां पर जरूरत नहीं होती है वहां पर कोई संक्रमण नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि दमोह के अंदर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, तो वहां पर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? बाकी सारे शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है कि वीकली लॉकडाउन लगेगा, लेकिन दमोह को छोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर उपचुनाव होना है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि कोरोना के नाम पर बीजेपी पार्टी जनता को डरा रही है। आपको बता दें, 17 तारीख को दमोह के अंदर उपचुनाव होना है, 17 तारीख को सैटरडे है, और बीजेपी पार्टी इस उपचुनाव पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह में जाकर चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं, शायद इसीलिए यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया, यहाँ पर कोरोना शायद नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से जिलों में लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है? आज रात 8 बजे से मुंबई, पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के सभी शहरों और जिलों में सोमवार शाम 7 बजे तक कड़ा लॉकडाउन लगने जा रहा है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू कहां कहां पर लग रहा है उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है। आप एक मिनट यहां पर वीडियो को रोककर पूरी लिस्ट देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग आराम से देख लें पूरी लिस्ट जहां पर नाइट कर्फ्यू लग रहा है। इसके अलावा यूपी से भी कुछ खबरें आ रही हैं। बरेली और मेरठ में भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शादियों को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, 100 लोग शामिल हो सकते हैं, और उसके लिए भी आपको प्रशासन से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।